थेरेपी में हम बच्चों को सही बोलना सिखाते हैं, सही शब्दों का उच्चारण करना किस प्रकार करते हैं वो हम सब बताते हैं। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चा का कोता बोलता है, ल कोता बोलता है, वो उसको ठीक करवाते हैं। और यही चीज़ हम पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, वो ख़राब करते हैं, क्योंकि जब बच्चा पहली बार अक्षर बोलता है काका को ताता या कौआ को तौआ, वो बच्चे का इतना इनोसेंट फेस होता है, लगता है कि ये बहुत अच्छा बोल रहा है, उसको बार बार जाने अनजाने में इतना रेपिटेशन करा देते हैं कि बच्चा उसी को सही समझने लगता है। और जो वो सही भी बोलता है उसको भी गलत बोलने की कोशिश करता है कि सब लोग हंसेंगे। बच्चे के लिए माँ बाप से बढ़कर उस एज में कोई नहीं होता, या स्कूल में टीचर से बढ़कर। टीचर तो ऐसी गलती नहीं करते हैं, पर माँ बाप लाड प्यार में आकर पैम्परिंग करके उसको और ख़राब कर देते हैं। जैसे प्रायः आपने कार्डों में देखा होगा, लिखा होता है मेरे मामा या चाचा की शादी में जलूल आना। जलूल तो कोई वर्ड नहीं है, वो हम लोग ख़राब करते हैं। वो बच्चा एक ख़राब करता है तो सारा ख़राब हो जाता है। अब जैसे बच्चा क नहीं बोलेगा तो क ख ग घ सारा नहीं बोल पाएगा, ट नहीं बोलेगा तो पूरी सीरीज ऑफ हो जाती है, ट ठ ड ढ नहीं बोलेगा। तो फिर हम उस बच्चे की टंग पोजीशन बना के उसको सही उच्चारण कराते हैं और उसको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। वाक्य क्या होता है? ओनली शब्दों का समूह को वाक्य कहते हैं। अगर हम शब्द अच्छी तरह बोलेंगे तो बच्चा वाक्य भी बोल पाएगा। बच्चा जब घर में होता है तो उसकी भाषा सिर्फ उसकी माँ समझती है कि उसको ये नीड चाहिए, मम, पानी को मम बोलना, या ये तो बहुत कॉमन है। बाकी अक्षरों को भी जब बच्चा ख़राब बोलता है तो उसकी माँ तो उसको पहचानती है, पर जब बच्चा समाज में घूमता है, समाज में जाएगा, स्कूल जाएगा, तब उसकी भाषा कोई समझ नहीं पाएगा। फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जो इसकी राइम्स नहीं सुन रहा। और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है स्कूल में जब डिक्टेशन शुरू होती है, जो टीचर बोलती है वो बच्चा वो ही लिखेगा जो वो बोलेगा। अगर उसने काम बोला तो ये ताम बोल रहा है, ये ताम ही लिखेगा, ये काम नहीं लिखा गया क्योंकि उसने कभी बोला ही नहीं। तो फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि हमारा बच्चा बोलने में ठीक नहीं है, तो हम किसी को पास जाकर राय लें, किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, कि जिससे हमारे बच्चे की स्पीच क्लियर हो। सबसे पहले उससे टेस्ट करते हैं हम कि कौन कौन से अक्षर वो नहीं बोल पाता है। पेरेंट्स को तो लगता है कि सिर्फ का नहीं बोलता, पर हमारे जब हम चेक करते हैं तो हम 8 अक्षर और निकाल देते हैं कि ये भी इसके क्लियर नहीं है। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो यूज्ड टू होते हैं कि ये तो क्लियर है जी। जैसे ट और ता, ट ताता और टाटा, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है जिसे हम समझ लेते हैं। और फिर उस बच्चे को उसी शब्द के लिए टंग पोजीशन बना के उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। निकलवाना तो बहुत आसान होता है, फिर उसको हम वाक्यों में यूज़ करना सिखाते हैं कि बच्चा समाज में जाए तो वो अक्षर ठीक बोले। और उसका इतना अभ्यास करा देते हैं हम कि वो बच्चा ज़िंदगी में चाहकर भी कभी गलत नहीं बोल पाता। जब हमारे पास बच्चा आता है तो हम उसको सीक्वेंस में सब अक्षरों को बुलवाते हैं। जैसे लेबियल साउंड्स पहले आते हैं, जैसे प फ ब भ म, फिर उसके बाद डेंटोलिंगुअल साउंड्स आते हैं, त की सीरीज आती है, फिर एक्सप्लोजिव साउंड्स आते हैं, ट, उसके बाद बैगलिंगुअल साउंड्स आते हैं, क ख ग, फिर हम वो चेक करके बताते हैं कि आपका बच्चा ये अक्षर नहीं बोल पाता है। सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स को अपनी भाषा नहीं बिगाड़नी चाहिए, डोंट स्पॉइल योर लैंग्वेज। जो बच्चे को जिस भाषा का ज्ञान देंगे सही तरीके से, वही बच्चा सीखेगा। बच्चा समझे ना समझे, हमें अपनी भाषा पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, पूरा सही शब्द बोलने चाहिए, तभी बच्चा सही शब्द बोल पाएगा। अगर हम ही गलत बोलेंगे तो बच्चा गलत को ही अपनाएगा, सही को नहीं अपनाएगा। हकलाना होता है वो किसी भी एज में हो सकता है, पर जो स्टटरिंग होती है वो शुरू से ही होती है, क्योंकि जैसे पेरेंट्स ने बच्चों को सिखाया होता है वो उसी ट्रेंड पर चलता है। इसमें बादाम या कौवे का जूठा, तोते का जूठा, दही खिलाना, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हमने ये कर दिया। पर वो इतना इन्फेक्टेड चीज़ बच्चे को दे रहे हैं जिससे बच्चा बीमार पड़ जाता है, स्पीच ख़राब वहीं की वहीं रहती है। इसलिए हमें किसी थेरेपिस्ट को मिलके उसको सही इलाज कराना चाहिए। विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर अंतर आना शुरू हो जाता है, पर इट डिपेंड्स कि उसके कितने अक्षर नहीं बोल पाता। बट विद इन अ मंथ यू विल फील द चेंज, कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। पर ये ओवरनाइट नहीं होता कि हम आज जा रहे हैं और कल बच्चा स्कूल में ठीक बोलने लग जाए, ऐसे नहीं होता है, इसमें समय लगता है।